यस फ्रेंड्स, तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मेसर टायरो ट्यूब्स ट्रेड्स इन फोर व्हील्स टायर्स एंड ट्यूब्स। इट्स स्टॉक सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ टायर्स ऑफ ऑलमोस्ट एवरी व्हीकल्स। इन ईयर एंड 2011-12, द रिपोर्ट्स ऑफ सेल्स मैनेजर रिवील्ड दैट मेसर टायरो ट्यूब एक्सपीरियंस स्टॉक आउट्स ऑफ टायर। द स्टॉक आउट डाटा इज एज फॉलोज। स्टॉक आउट ऑफ टायर्स ये भी हैं 100, 80, 50, 20, 10, 0। नंबर ऑफ टाइम्स दिया है 2, 5, 10, 20, 30, 33। मेसर्स टायरो ट्यूब्स लोजेस ₹150 पर यूनिट ड्यू टू स्टॉक आउट एंड स्पेंड्स ₹50 पर यूनिट ऑन कैरिंग ऑफ द इन्वेंट्री। डिटरमाइंड ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक लेवल। फ्रेंड्स, तो जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो हमें ये देखना है कि हमारे लिए क्या स्टॉक लेवल सेफ्टी होगा जिससे हमारी स्टॉक आउट कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट मिनिमम हो। तो हम एक बनाएंगे, हम बनाएंगे स्टेटमेंट शोइंग स्टॉक आउट एंड इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। सेफ्टी स्टॉक लेवल स्टॉक आउट प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी हमारी, ठीक है। इसके बाद स्टॉक आउट कॉस्ट ठीक है, एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट टोटल कॉस्ट। अगर हम 100 का सेफ्टी स्टॉक लेते हैं तो फिर हमारा स्टॉक आउट कॉस्ट क्या होगा, 0। अगर हम 80 का सेफ्टी स्टॉक लेते हैं तो स्टॉक आउट कॉस्ट क्या होगा हमारा, 20। कब होगा 20, ये थोड़ा समझ लीजिए। 20 तब होगा जब हमारी ये सिचुएशन आएगी। हमने सेफ्टी स्टॉक लिया 100 का, सो 80 का, ये एक लेवल है, ये दूसरा लेवल है। अब आपको ये देखना है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसका टोटल देखें कितना होता है, इसका टोटल देखेंगे आप तो ये टोटल आएगा आपका 100। तो अगर 100 में 2 टाइम आपका स्टॉक आउट 100 का होता है, तो अगर मैं 80 लूंगा सेफ्टी लेवल, तो इसका मतलब क्या है कि जब 100 का स्टॉक आउट होगा तो यानी कि 20 यूनिट ऐसी होंगी जब मेरी स्टॉक आउट होंगी। तो 20 यूनिट मतलब कब होंगी, इसका मतलब समझा देता हूं मैं। सपोज करो स्टॉक आउट मेरा 100 है और सेफ्टी स्टॉक लेवल, सेफ्टी स्टॉक लेवल भी 100 है, तो स्टॉक आउट फिर कितना बचा, नील बचा। लेकिन अगर सेफ्टी स्टॉक 80 है तो स्टॉक आउट कितना होगा, 20। इसका मतलब क्या है कि अगर जो पहले स्टॉक आउट 100 होता था वो अब स्टॉक आउट कितना बचा,
20, ये अर्लियर सिचुएशन है और ये करंट सिचुएशन है। पहले स्टॉक आउट अगर 100 होता तो आज स्टॉक आउट 20 होता, लेकिन जो 100 है वो पूरी उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 2%। तो ऐसी सिचुएशन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, सिर्फ 2% है। अब मैं कहता हूं अगर मैं सेफ्टी स्टॉक 50 रखता हूं तो यहां पर दो सिचुएशन आती है, क्या, एक तो स्टॉक आउट जो ओल्ड है पुराना वो 100 हो। अगर यहां पर 100 का ओल्ड स्टॉक आउट होता तो मेरा अप कितना होगा, 50, और अगर दूसरा अगर 80 का होगा तो अब मेरा स्टॉक आउट कितना होगा, 30। पहले जो 80 का था, क्योंकि अब मैं 50 का स्टॉक रख रहा हूं तो स्टॉक आउट मेरा 30 होगा। तो प्रोबेबिलिटी देखें हम क्या है, प्रोबेबिलिटी यहां पर इसकी 2% है और इसकी प्रोबेबिलिटी है 5%। तो इन सभी चीजों को मैं एक्युमुलेट करते हुए चीजें लिखता हूं, थोड़ा सा लगेगा टाइम। इसकी 0% प्रोबेबिलिटी है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2%। अब मैं कहता हूं कि अगर मैं सेफ्टी स्टॉक 50 रखता हूं तो मेरे पास चांसेस हैं कि मेरा 50 भी स्टॉक आउट हो एंड 30 भी स्टॉक आउट हो। 50 होने की चांस है 2% और 30 होने के चांसेस कितने हैं, 5% है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ऐसे ही मैं बढ़ता चला जाऊंगा। अगर मान लीजिए मैंने स्टॉक आउट रखा है अब 80, 50, फिर 20, अगर मैं 20 रखता हूं तो मेरे पास स्टॉक आउट 80 भी हो सकता है। अगर 60 स्टॉक आउट होता है पुराना वाला तो 80 होता है तो अब 60 रहेगा यहां पर, और अगर 50 होता है तो अब 30 रहेगा। इनकी जो प्रोबेबिलिटीज रहेंगी वो देखें क्या रहेंगी, इसकी 2% रहेगी, इसकी 5% रहेगी एंड इसकी 10% रहेगी, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इसको जरा मैं मिटा दूं। मुझे टेबल नीचे तक कैरी करनी है उसकी। अब मैं इसको जरा कलर चेंज कर दूं, देखिए अगर मेरा स्टॉक पोजीशन अगर मैं रखता हूं, अब सेफ्टी स्टॉक 10 रखता हूं तो अगर स्टॉक आउट जब मेरा 100 हुआ था तो अब 90 होगा, परसेंटेज 2%। अगर 80 है तो अब 70 होगा, परसेंटेज है 5%। अगर 50 है तो 40 होगा, परसेंटेज है 10%। और अगर 20 स्टॉक है तो अब स्टॉक आउट होगा मेरा 10, परसेंटेज है 20% की, ठीक है। एंड द लास्ट वन वो है हमारा कि जब हमने सेफ्टी स्टॉक जीरो कर दिया है तो जब जीरो करेंगे तो फिर वो सारे हमारे ठीक है फ्रेंड्स। फिर से समझाता हूं क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये कहता है कि सर अगर आप पहले आपका इतनी यूनिट ऐसी थी जो
आपके पास मटेरियल नहीं था, मतलब आपको 100 टायर आप नहीं बेच पाए, तो स्टॉक आउट कॉस्ट आपकी 100 थी, 2%। 80 टायर आप 5 बार नहीं बेच पाए, 50 टायर आप 10 बार नहीं बेच पाए। तो अब वो कहते हैं कि अगर मैंने सेफ्टी स्टॉक अगर 100 रखा तो फिर तो कोई चांस ही नहीं है कि मैं कोई टायर ना बेच पाऊँ। सेफ्टी स्टॉक तो एवरेज हमेशा ही रहेगा ना। अगर सेफ्टी स्टॉक में 80 रखता हूँ तो एक चांस है कि जब भी 100 की जो पोजीशन आई थी वो वाले चांस में मेरे को 20 यूनिट का लॉस होगा। सेम अगर मैं सेफ्टी स्टॉक 50 रखता हूँ तो फिर दो चांस है इससे ऊपर वाले, जब भी इससे ऊपर वाली सिचुएशन हैपन होगी तब मेरी स्टॉक आउट कॉस्ट होगी। तो यही सिचुएशन हर बार दी है कि अब मैं 0 रखता हूँ तो इससे ऊपर वाली सिचुएशन, ठीक है ना, तो इससे ऊपर वाली सिचुएशन का मतलब है ये नहीं आएगा उसमें। अब इसकी कैलकुलेशन कर ले, यहां पर 0 रहेगा तो एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट 0 रहेगी। इन्वेंट्री कॉस्ट क्या रहेगी, 100 × 50 यानी कि 5000, तो टोटल कॉस्ट मेरी हो गई 5000। अब देखिए यहां पर क्या रहेगा, ये 3000 हो जाएगा, 2% चांस है 3000 का, यानी कि ये हो गया 60, यहां पर हो जाएगा 4000, तो ये हो जाएगा 4060, ठीक है ना। अब इसमें देखेंगे हम, तो ये 3000 से बढ़ के अब ये 7500 हो गया और ये हो जाएगा 4500, 2% से ये 150, ये 225, तो ये हो गया आपका 375, ठीक है ना, ये टोटल हो गया आपका 375। इसकी वैल्यू 2000, ये हो गया 2875। अब अगर 80 है तो 150 से ये हो जाएगा 12000, 9000, 4500, 2% से ये 240, 450, 450, तो टोटल हो गया 1140। इसमें लगेंगे आपके 1000, ये हो गया 2140। अब और बढ़े आगे, तो ये 90 है तो 90 पे आएगा आपका 13500, 10500, 6000, और 10 पे आएगा आपका 1500। 2% का मतलब है 270, 525, 600, और 20% का मतलब है 300। टोटल होगा इसका 1695। यूनिट्स का खर्चा होगा 15000, 12000, 7500, 3000, 1500, 30% चांस है 450, 600, 750, 600, 300, 1500, 1200, 2700, 2700 मिल, तो ये 2700। तो सबसे जो बेस्ट है वो ये है, इसमें मेरा जब मैं रखता हूँ तो मेरी जो कॉस्ट आती है वो मिनिमम आती है आपकी 2140, ठीक है ना। सो क्या लिखेंगे, वी शुड मेंटेन सेफ्टी स्टॉक लेवल ऑफ 20 यूनिट्स,
as it results lowest cost, ठीक है ना, स्टॉक आउट एंड कैरिंग कॉस्ट, हमें ये लेवल मेंटेन करना चाहिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए तो ये आपका क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट, थैंक यू वेरी मच एंड गुड डे। इसको एक बार जरूर करिएगा दोबारा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था।